हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बिंदु स्राव यानी कि गटेशन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में बात करी थी कि वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गटेशन यानी कि बिंदु स्त्राव क्या होता है? तो पत्तियों के किनारों से जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में स्त्राव क्या कहलाता है? बिंदु स्त्राव कहलाता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जर स्टीन ने किया था। तो क्या होता है बिंदु स्त्राव? की जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहाँ से जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में निकलना। ठीक है, तो आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो पत्तियाँ होती है पादपों की, तो उनके जो किनारे होते हैं वहाँ पर हमको बूंदों के रूप में कुछ जल की बूंदें दिखाई देती है। तो वो जो बूंदों का निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्त्राव कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से शाखीय पौधों तक ही सीमित रहती है। ठीक है, जैसे कि टमाटर हो गए, घास, आलू, अरबी, कोलोकेशिया जिसको कहा जाता है, और कुकरबिटस के जो पादप होते हैं उनमें देखी जाती है। यही क्रिया जो होती है अधिकतर रात्रि काल में अथवा प्रातः काल के समय होती है। इस समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है नहीं होती है, तथा साथ ही मृदा तथा वायु आर्द्रता युक्त होती है। पौधों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों के किनारों पर उपस्थित विशेष रंध्रों द्वारा द्रव के रूप में पौधों से बाहर निकलता रहता है। इन विशेष रंध्रों को जल रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो प्रक्रिया होती है अधिकतर क्या होती है? रात्रि काल में या फिर प्रातः काल में होती है। तो जो हमारी घास होती है, जब हम सुबह 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 चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो सुबह सुबह क्या होता है कि घास की जो पत्तियाँ होती है वो हमें गीली दिखाई देती है। तो वो जो होता है हमारे बिंदु स्त्राव की जैसे ही होता है। इस समय क्या होता है, इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही होती है, इसलिए इनमें जो अत्यधिक जल होता है वो क्या होता है? बूंदों के रूप में निकल जाता है। और साथ ही ये जो होती है मृदा तथा वायु जो होती है आर्द्रता युक्त होती है। पौधे द्वारा अवशोषित जल जो होता है पत्तियों के किनारों पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि जल रंध्र की संरचना कैसी होती है। तो ये एक पत्ती है जिसके ये किनारे पर ऊपर की ओर जो है जल रंध्र है, और उसके पास में एपिथेम सेल्स पाई जाती है, और इसके बीच में जो है पर्णमध्यित्व कोशिकाएँ पाई जाती है, और ये बीच में जो आपको उभार के रूप में दिख रहा है ये क्या है? जाइलम वाहिकाएँ हैं। ठीक है, और सबसे जो लास्ट में दिख रहा है वो क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंतर्गत पर्णमध्यित्व सेल जिसमें खम्भ ऊतक और स्पंजी ऊतक आते हैं, और उसके अंदर की ओर हमारे को जाइलम वाहिनिकाएँ दिखाई दे रही हैं। और जो इसके ऊपर की ओर हमको क्या दिखाई दे रहा है? जलरंध्र दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे की ओर एपिथेम सेल्स पाई जाती है। तो पत्तियों पर उपस्थित जलरंध्र जिनकी बाहरी भित्ति पर किसी प्रकार की एपिडर्मिस उपस्थित नहीं होती है, तथा इनका पत्तियों के संवहन पुल से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जलरंध्र कुछ रंगहीन ढीले रूप से बंधित मृतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित संरचनाएं होती है। इस ऊतक को हम क्या कहते हैं? एपिथेम कहते हैं। एपिथेम अधिकतर पत्तियों के किनारे तथा पत्तियों के शीर्ष की ओर एपिडर्मिस से ठीक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। पत्ती की सूक्ष्म शिराओं के सिरे सदैव एपिथेम के आधार के पास समाप्त हो जाते हैं, अतः इन छिद्रों को जल छिद्र अथवा जलरंध्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बिंदु स्त्राव की क्रियाविधि क्या होती है, बिंदु स्त्राव होता कैसे है। तो कभी कभी जल अवशोषण निकास की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो जाइलम वाहिकाओं में एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है कि जो जल का निकास किया जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है तो जल अवशोषण क्या होता है कि निकास से ज़्यादा हो जाता है। तो जाइलम वाहिकाओं में एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जल किसी भी मार्ग द्वारा पौधे से बाहर निकलता है। जलरंध्र जो कि पत्तियों की सूक्ष्म शिराओं के अंतिम छोर पर स्थित होते हैं जल के बहिर्गमन के लिए एक उत्तम मार्ग है, अतः जल को बलपूर्वक उन मार्गों से बाहर निकाला जाता है। जल रंध्र द्वारा जल निकास की इस क्रिया के साथ साथ घुलित पदार्थों में लगभग आधे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो बिंदु स्त्राव कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब जल अवशोषण जो होता है जल की निकासी से ज़्यादा हो जाता है, मतलब जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है तो जल अवशोषण जो होता है अधिक मात्रा में हो जाता है। तो जल को निकालने के लिए वाहिकाओं में क्या होता है? एक द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो जल होता है पत्तियों के किनारों पर उपस्थित जो सूक्ष्म शिराएं जो होती हैं उनके पास में जो जलरंध्र स्थित होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जल जो है बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और यही जल जो होता है पत्तियों के किनारों पर बूंदों के रूप में एकत्रित होता है, और इन जल के में जो होते हैं जल के साथ साथ कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो जल होता है ये शुद्ध जल नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि बिंदु स्त्राव और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो बिंदु स्त्राव जो क्रिया होती है रात्रि और प्रातः काल में होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन दिन में होती है। ठीक है, और बिंदु स्त्राव में जल की हानि जो होती है द्रव के रूप में होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि वाष्प के रूप में होती है। बिंदु स्त्राव में निकलने वाला जल अशुद्ध होता है, इसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि घुले हुए होते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन में निकलने वाला जल जो होता है शुद्ध होता है। ठीक है, जैसा हमने इसकी क्रियाविधि में पढ़ा था कि बिंदु स्त्राव के अंदर क्या होता है, जल के साथ कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक लवण भी निकलते हैं,
इसलिए जो इसे निकलने वाला जल होगा वो क्या होगा, शुद्ध जल नहीं होता है, जबकि वाष्प से जल निकलने वाला जल होता है, तो वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है, ठीक है। और बिंदु स्राव की क्रिया जो होती है केवल जलरंध्र के द्वारा होती है, ठीक है, जलरंध्र के द्वारा होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है मुख्यतः रंध्रों के द्वारा होती है, ठीक है। तो रंध्र और जलरंध्र में अंतर समझ में आ गया। रंध्र जो होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, पत्तियों के बीच में कहीं भी होते हैं, गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। और यह जो होते हैं खुलते और बंद होते रहते हैं, लेकिन लेकिन जो जलरंध्र होते हैं, ठीक है, उनमें खुलने और बंद होने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, और क्या होते हैं, पत्तियों के किनारों पर होते हैं, ठीक है। और इनके नीचे एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, और यह जो रंध्र होते हैं जलरंध्र, इनका जो जाइलम की वाहिका है इनसे भी सीधा कोई संबंध नहीं होता है। और ये कब यूज़ में लिए जाते हैं, जब क्या होते हैं रंध्र बंद होते हैं, ठीक है, तो रंध्रों के द्वारा जल जब बाहर नहीं निकल सकता है, तब क्या होता है कि इन जलरंध्रों के माध्यम से क्या होता है, जल बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। अब जो बिंदु स्राव होता है इस क्रिया पर जलरंध्र का कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वही क्रिया जो होती है द्वार सेल यानी गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। गार्ड सेल की जो होती है स्फीति अवस्था और जो शिथिल अवस्था होती है वाष्पोत्सर्जन, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि रंध्र जो होते हैं बंद हो सकते हैं और खुल सकते हैं, जबकि जलरंध्र जो होते हैं यह बंद भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, खुले ही रहते हैं, इसलिए इनका जो होता है जलरंध्र का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बिंदु स्राव जो होता है पत्ती या पौधे के तापमान को प्रभावित नहीं करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्ती का तापमान जो होता है कम होता है। जलरंध्र पत्ती के किनारे तथा शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, तथा जो रंध्र होते हैं पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं। बिंदु स्राव जो होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। बिंदु स्राव में क्या होता है कि मूल दाब के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो होती है वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के कारण होती है, ठीक है। अब हमारी एक टर्म आती है रस स्त्रवण, ठीक है। तो रस स्त्रवण क्या होता है, तो पौधे के कटे हुए तथा क्षतिग्रस्त भागों से रस के स्त्राव को रस स्त्रवण कहते हैं। इस रस में जो होते हैं अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पौधों की कई जातियों में भारी मात्रा में रस का स्त्राव देखा गया है, जैसे कि अगेव, तोड़ी ताड़, एसर, अंगूर आदि। इन पौधों में तने की जाइलम ऊतकों को घेरे रहने वाली कोशिकाओं में सक्रिय स्त्रवण कोशिकाओं के द्वारा होता है। आपने देखा होगा जब कोई प्लांट होता है हम उसके तने पर कट लगाते हैं, तो वहाँ से जो होता है रस का स्त्राव होता है, तो इसके स्त्रवण का हम क्या कहते हैं, रस स्त्रवण कहते हैं। अब दूसरी जो टर्म आती है हमारी वो आती है प्रतिवाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिवाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की वृद्धि तथा प्रकाश संश्लेषण पर बिना कोई निरोधी प्रभाव के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, तथा उन्हें जो होते हैं हम क्या कहते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि रंगहीन प्लास्टिक, सिलिकॉन तेल, फिनाइल, मर्क्यूरिक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उच्च सांद्रता आदि जो क्या है, प्रतिवाष्पोत्सर्जन पदार्थ हैं। ये क्या करते हैं कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है उसको कम कर देते हैं, लेकिन ये जो होती है पौधे की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है।